Pujari bhi josh kila hai, josh maar. Try, but don't try. Okay, fine. फिसलन भरे रास्ते से आए हैं। ये बात तो है, पूरा रास्ता फिसलन भरा है। ये पत्थर देख रहे हैं, और सोने में सुहागा करते हैं। ये देखिए पानी काफी ऊपर आ चुके हैं, मगर अभी भी काफी चढ़ने बाकी है। लोग आ रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कितने हाइट पे हैं। बहुत ज्यादा हाइट है, अभी तो नहीं नाप सकते। एक्चुअली पड़ गई, एकदम गीले हो चुके हैं कपड़े। आप भी देख सकते हैं, सभी बैठे हैं। और क्योंकि ये लास्ट आप देख सकते हैं, वहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर आप देख सकते हैं। तो हमारा लास्ट पायदान यहाँ पे पहुँचना है। आप पहुँच गए तो हमारा सफल हो जाएगा। अब चेक करते हैं, सीढ़ी टाइप की फॉलो करनी। अभी थोड़ी बहुत कच्ची सी इन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी हैं नीचे से आने के लिए, वहाँ से हमारे आप देख सकते हैं बाउंड्री है। बहुत सही व्यू आता है यहाँ से, यहाँ पर बैठ के फोटो खिंचवाते हैं आप यहाँ से देखिए, बहुत सही। ये मेरे ख्याल से फोर्ट की बॉर्डर वॉल होगी। अब फोर्ट कितना रहा है वो देखा जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, फाइनली 3-3.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। सबकी हालत खस्ता हो रखी है, तो मैं अब कुछ बोलूंगा नहीं, आपको बस दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पेब फोर्ट का मंदिर देख सकते हैं, इसी के पैरेलल में रहता है।
माथेरान है, दोनों एरिया मस्त है। यहाँ फूडिंग चलते हुए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सीढ़ियाँ हैं जिसकी वजह से इतनी भीड़ लगी पड़ी है उतरने के लिए। सारे वेट कर रहे हैं। देखिए शहर देखे तब तक आप, जो इस पहाड़ी की घाटी में बसा पड़ा है अगर आप देख सके तो। इतना चल चुल के आए हैं फिर भी एक और सीढ़ी। क्या हो गया है सरकार को, हर जगह सीढ़ी ही सीढ़ी, सीढ़ी ही सीढ़ी। पीछे यहाँ पे भी एक क्या मस्त मंदिर है, मिनी गणपति है। बड़ा गणपति अगर आपको देखना इसी में आपको राइट जाना होगा। नॉर्मल मौसम में टॉय ट्रेन चलती है, काफ़ी दूर तक चलती है। अभी क्योंकि बारिश का मौसम है तो नहीं चलती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं इस पर, अभी नहीं चलती है। जो आप देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति है, ये खुद गांव वालों ने पत्थरों को तराश के बनाई है। देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति। चलिए फिर